छोटे पर्दे पर सब टीवी एंटरटेनमेंट चैनल की पहचान सबसे अलग है और इसका कारण ये है कि इस चैनल पर प्रसारित होने वाला अलग तरह से सीरियल्स होते हैं, जी हाँ, जो दर्शकों के दिल को छू जाता है। इसी तरह से सब टीवी पर लगभग 6 साल दर्शकों का मनोरंजन करने वाला चिड़ियाघर भी एक ऐसा ही शो रहा। चिड़ियाघर में सभी किरदारों का नाम जानवरों के नाम पर रखा गया और इन उन किरदारों में जानवरों जैसी खूबियाँ भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। ऐसा ही एक किरदार था 19 साल का बुद्धू सा मेढक। मेढक ने साल 2015 तक दर्शकों को खूब हंसाया, लेकिन एक दिन उनके साथ एक अनहोनी हो गई। उनका एक्सीडेंट इतना भयानक हुआ कि मनीष विश्वकर्मा कोमा में चले गए। इस दुर्घटना को अब लगभग 3 साल हो चुके हैं और मनीष अब शो का हिस्सा नहीं है। चिड़ियाघर एक ऐसा घर था जिसका नाम रिटायर्ड प्रिंसिपल श्री केसरी नारायण की दिवंगत पत्नी चिड़िया केसरी नारायण के नाम से रखा गया था। मेढक घर के नौकर गधा प्रसाद के भाई थे। 28 जून 2015 को मनीष हमेशा की तरह शूटिंग के लिए अपनी बाइक से जा रहे थे, तभी गोरेगांव में एक कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। फिल्म सिटी के आर्य कॉलोनी के पास हुए इस घटना के बारे में पता चलने पर पुलिस वालों और स्थानीय लोगों ने मनीष को अस्पताल लेकर गए। जांच में पता चला कि एक्सीडेंट के कारण मनीष के दिमाग में खून जम गया है और वो कोमा में चले गए हैं। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त वह शूटिंग के लिए जा रहे थे, गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी, जो गाड़ी का ड्राइवर था उसके फरार होने की भी खबर आई। एक्सीडेंट के बाद आसपास मौजूद लोगों ने मनीष को नज़दीकी अस्पताल में ले गए और अब जी हाँ वो कोमा में है। आपको बता दें, जब चिड़ियाघर की पूरी टीम को इस बारे में पता चला तो सभी तुरंत अस्पताल पहुंचे। जब मनीष को इलाज कर रहे डॉक्टर ने उन्हें घटना की खबर दी, सूत्रों की माने तो कोमा से बाहर आए मेढक मनीष ने अपने घर वालों के साथ अपना जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया, लेकिन उसके बाद उनकी फिर से हालत वैसी ही हो गई है। फिल्मी अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।